हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MRS टेक रिलेटेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट फ्लैगशिप ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स के बारे में, जिनके अंदर आपको किसी भी फीचर्स के अंदर कंप्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसी हिसाब से प्राइस हैं और उसी हिसाब से एकदम फ्लैगशिप लेवल वाले आपको फीचर्स दिए गए हैं अलग अलग कंपनी से। ओके, तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 3 स्मार्टफोन इसलिए रखे हैं ताकि आपको मोबाइल फोन परचेस करने में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ऑलरेडी इंडियन मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन की क्वांटिटी हो चुकी है, तो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअल में हम फोन लेना कौन सा चाहिए। दोस्तों, ये तीनों स्मार्टफोन आपको Amazon और Flipkart दोनों प्लेटफॉर्म पर अंडर 30K के देखने को मिल जाएंगे। ₹30,000 के अंदर आपको कोई भी फीचर में कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, कैमरा एकदम फ्लैगशिप लेवल वाला, साथ ही आपको बैटरी चार्जिंग सारी चीजें एकदम फ्लैगशिप लेवल वाली देखने को मिलेंगी। ओके, तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूँ। ये तीनों स्मार्टफोन हमने रैंक नहीं किए हैं, तो आप अपनी चॉइस या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा मोबाइल फोन भी परचेस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ये तीनों फोन 5G हैं एंड आपको Amazon और Flipkart दोनों प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे अंडर 30K के। एंड थर्ड पॉइंट, ये तीनों स्मार्टफोन हमने काफी रिसर्च, एनालाइज एंड रिव्यू करने के बाद सिलेक्ट किए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपका कंफ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो जाएगा कि आपको फोन एक्चुअल में लेना कौन सा है। ओके, तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट का फर्स्ट मोबाइल फोन रहता है वीवो की तरफ से IQ Neo 6। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको काफी फ्लैगशिप फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले मोबाइल फोन की बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन की बैक एंड फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, इसमें आपको फ्रंट में ग्लास देखने को मिलेगा। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 190 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा, 8.5 mm की थिकनेस देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल मोबाइल फोन आपको काफी स्लिम, लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा, काफी डिजाइन आपको पसंद आएगी। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको AMOLED 6.62 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ आपको 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। ओके, दोस्तों, इस डिस्प्ले के अंदर आपको 85.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से बेजल काफी पतली देखने को मिलेगी। ओके, तो डिस्प्ले काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर के साथ आता है और एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, जो कि काफी अच्छी और तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको हाई क्वालिटी गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, साथ ही आपको मल्टीटास्किंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और इस मोबाइल फोन के अंदर आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करते हैं मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस मोबाइल फोन के रियर कैमरे से आप 4K/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 1080p/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, वहीं बात करते हैं मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में। तो दोस्तों, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 4700 mAh की बैटरी देखने मिलेगी, जिसके साथ आपको 80W का फास्ट चार्जर देखने मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना मोबाइल फोन 32 मिनट के अंदर 100% चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मोबाइल फोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने मिल जाएंगे, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 की सपोर्ट देखने मिल जाएगी, USB Type-C 2.0 देखने मिल जाएगी। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ओके, ओवरऑल मोबाइल फोन के अंदर आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल वाले फीचर देखने मिल जाते हैं। प्रोसेसर आपको काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है, डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है AMOLED, वहीं पर आपको बैटरी एंड चार्जिंग भी काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने मिल जाती है, स्टीरियो स्पीकर देखने मिल जाते हैं। दोस्तों, इस मोबाइल फोन को आप कंसीडर कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन का 8+128GB वाला वेरियंट आपको लगभग 28,000 या फिर 29,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी और बेटर डील रह सकती है, इस मोबाइल फोन को आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट के सेकंड मोबाइल फोन के बारे में, जो कि रहता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M53। ये मोबाइल फोन भी काफ़ी बेटर डील रह सकता है। इस मोबाइल फोन के प्राइस आपको लगभग 28,000 के आसपास देखने को मिलेंगे और ऑफर में ये मोबाइल फोन आपको 26,000 या फिर 27,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ओके, बिकॉज मोबाइल फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर जो है फ्लैगशिप प्रोवाइड कराए हैं सैमसंग ने। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की बॉडी के बारे में। तो दोस्तों, इस मोबाइल फोन की आपको बैक एंड फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। इस मोबाइल फोन के फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, साथ ही मोबाइल फोन के अंदर आपको 176 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा, 7.5
4mm की थिकनेस देखने को मिल जाएगी। ये मोबाइल फ़ोन आपको काफ़ी लाइट वेट, कॉम्पैक्ट एंड स्लिम देखने को मिलेगा, काफ़ी डिज़ाइन पसंद आएगी बिकॉज काफ़ी थिन है मोबाइल। ओके, अब बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको सुपर एमोलेडी प्लस 6.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, तो आपको गेमिंग में काफ़ी स्मूथनेस फील होने वाली है। साथ ही इस डिस्प्ले के अंदर आपको 85.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्ले आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आएगी, तो बेजल भी काफ़ी पतली रहने वाली है। साथ ही आपको डिस्प्ले एकदम फ्लैगशिप लेवल वाली देखने को मिलेगी बिकॉज सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। ओके, बात करते हैं चिपसेट के बारे में, तो दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर मीडिया टेक डायमेंसिटी 900 देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है और एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है, तो आप इजीली हाई क्वालिटी में गेमिंग कर सकते हैं एंड आपको मल्टीटास्किंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, बात करते हैं मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आपको प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस एंड प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। इस मोबाइल फोन के अंदर आप 4K/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरे से। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इस मोबाइल फोन के फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप फ्रंट से भी 4K/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप फ्रंट से 4K/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, बहुत कम मोबाइल फोनों के अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलता है कि फ्रंट से आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएं। बात करें बैटरी के बारे में, तो दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको 25W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। ओके, बैटरी भी आपको काफी लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। ओके, बात करें कुछ अदर फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को नहीं मिलते हैं, इसमें आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाती है, USB Type-C 2.2 देखने को मिल जाती है, और मोबाइल फोन के अंदर आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, ये काफी अच्छी बात है। ओके, मोबाइल फोन के अंदर आपको फ्लैगशिप लेवल के फीचर देखने को मिल जाते हैं, आप फ्रंट से और रियर से दोनों कैमरे से 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले आपको सुपर एमोएलईडी प्लस देखने को मिल जाती है, चिपसेट भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं, काफी बेटर डील ले सकती है सैमसंग की तरफ से। ओके, दोस्तों इस मोबाइल फोन का 8+128GB वाला वेरियंट आपको अभी फिलहाल में 28,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, बाकी ऑफर में ये मोबाइल फोन आपको 26,000 के आसपास भी देखने को मिल जाता है अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म पर। ओके, बात करते हैं लिस्ट के थर्ड मोबाइल फोन के बारे में, जो कि रहता है वीवो की तरफ से V23 5G। ये मोबाइल फोन काफी बेटर फ्लेक्सिबल फीचर्स के साथ आता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन की बैक में आपको ग्लास पैनल देखने को मिलेगा, फ्रंट में भी आपको ग्लास देखने को मिलेगा। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 179 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 7.4mm की थिकनेस देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल मोबाइल फोन आपको काफी लाइट वेट एंड स्लिम और कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ऑफिशियल वीडियो के अंदर काफी अच्छा लुक है मोबाइल फोन के अंदर। आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर है, जैसे कि आप ऑफिशियल वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, इसकी बैक जो है कलर चेंज करती रहती है। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आपको AMOLED 6.44 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इस डिस्प्ले के अंदर आपको 19Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 88% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा, तो डिस्प्ले भी काफी फ्लेक्सिबल देखने को मिलने वाली है। साथ ही प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो दोस्तों यह आता है ऑक्टा कोर मीडिया टेक डायमेंसिटी 920 पर, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है और एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, जो चिपसेट भी काफी तगड़ा देखने को मिल जाता है। ओके, गेमिंग में मल्टीटास्किंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, बात करें मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इस मोबाइल फोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, जो कि आपको डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों आप इस मोबाइल फोन के रियर कैमरे से भी 4K/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको फ्रंट साइड में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाएगा फ्रंट साइड में। और दोस्तों इस मोबाइल फोन की भी आप फ्रंट कैमरे से 4K/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। ओके, तो कैमरे के मामले में ये मोबाइल एकदम फ्लैगशिप लेवल वाला रहने वाला है। बात करते हैं मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 4200mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 44W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपना मोबाइल फोन 35 या फिर 30-40 मिनट के अंदर अपना मोबाइल फोन 100% चार्ज कर पाएंगे। ओके,
बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो है 3.5mm का जैक नहीं देखने को मिलता है। ओके, स्पीकर्स काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाती है, यूएसबी टाइप सी 2.2 देखने को मिल जाती है और मोबाइल फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। ओके, जो कि काफी अच्छी बात है। मोबाइल फोन के अंदर आपको काफी फ्लैगशिप फीचर देखने को मिल जाते हैं। ओके, काफी अच्छी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। आप दोनों कैमरे से फ्रंट एंड रियर दोनों से 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही आपको बैटरी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, चार्जिंग एंड चिपसेट भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये मोबाइल फोन भी आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन रह सकता है, इस मोबाइल फोन की तरफ भी आप जा सकते हैं। ओके, ओवरऑल इस मोबाइल फोन का आपको लुक काफी पसंद आएगा बिकॉज देखने में काफी इंप्रेसिव है। दोस्तों इस मोबाइल फोन का 8+128GB वाला वेरियंट आपको लगभग 28,000 के आसपास ही देखने को मिलेगा या फिर 29,000 के आसपास देखने को मिलेगा और ऑफर में आपको लगभग 27 या फिर 26,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो तीनों मोबाइल फोन एकदम फ्लैगशिप लेवल वाले हैं, काफी रिसर्च एनालाइज करने के बाद सिलेक्ट किए थे हमने। ओके, इन तीनों मोबाइल फोन में से आप कोई सा मोबाइल फोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों तीनों मोबाइल फोन के बारे में मैंने ऑल डिटेल आपको दे दी है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बाकी गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर जाना, अपने भाई के चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन के बटन को दबा देना। ओके, ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी यार मिलते हैं आपसे अगले और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।